This Lallan Top video is brought to you by Livogen Tonic. थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कहीं हैकर अपना जाल फैलाकर बैठे हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि आपका अकाउंट चंपत, माने कि आपका अकाउंट हैक होकर कंट्रोल किसी और के हाथ में पहुंच जाएगा। इन हमलों से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे फीचर देते हैं। हम आज आपको अपना ट्विटर अकाउंट सेफ रखने का ऐसा ही तरीका बताएंगे। उन फीचर्स के बारे में भी बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप हैकर्स और गैर कानूनी तरीके से ट्विटर अकाउंट एक्सेस करने वालों से बचा जा सकता है। ट्विटर का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं? अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डाल देते हैं, हो गया लॉगिन। अब आपका यूजर नेम तो ट्विटर पर बैठा हर शख्स जान सकता है, रही बात पासवर्ड की तो उसे निकालने के भी कई तरीके हैं। अकाउंट हैक होने से बचाने के लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या शॉर्ट में कहें तो 2FA चालू करना होता है। इसका मतलब यह है कि लॉगिन करने के लिए आपको दो तरह से अपनी पहचान बतानी होगी, पहला तो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर और दूसरा OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप की मदद से। 2FA चालू करने के लिए पहले ट्विटर की सेटिंग्स में जाइए, फिर सिक्योरिटी और अकाउंट एक्सेस में जाइए और सिक्योरिटी पर क्लिक करिए। यहाँ आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करने से आपको सामने तीन ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट मैसेज, ऑथेंटिकेशन ऐप और सिक्योरिटी की। टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करिए, आपको एक OTP मिलेगा। उसे डालने के बाद एक बैकअप कोड मिलेगा, इस कोड को कहीं लिख लीजिए। अब आप जब भी ट्विटर में लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद ट्विटर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भी भेजेगा। उसे डाले बिना आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास आपका मोबाइल नहीं है या फिर किसी और वजह से SMS OTP नहीं आ पा रहे हैं, तब आप बैकअप कोड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं और सेटिंग्स में जाकर 2FA को बंद भी कर सकते हैं। मोबाइल मिलने पर आप फिर से इसे चालू कर सकते हैं। आप किसी ऑथेंटिकेटर ऐप की मदद से भी 2FA चालू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर या दूसरा कोई ऐसा ही ऐप डालिए, इसे चालू करिए और फिर अपने कंप्यूटर पर ट्विटर की सेटिंग्स में जाकर 2FA का ऑथेंटिकेशन ऐप वाला ऑप्शन चुनिए। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, इस कोड को अपने मोबाइल में खुले हुए ऐप से स्कैन कर दीजिए। अब आपके ऐप पर एक नंबर लिखकर आ जाएगा, इसे ट्विटर पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको 2FA चालू होने का कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको 10 बैकअप कोड मिलेंगे जिन्हें आप कहीं लिखकर रख लीजिए। अब आप जब भी ट्विटर लॉगिन करना चाहेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या कोई दूसरी ऑथेंटिकेटर ऐप जो आपने सेट की है उसमें नज़र आने वाले कोड को भी डालना होगा। अगर किसी वजह से आपके पास ये कोड नहीं रह जाता तो जो आपको अजहरा बैकअप कोड मिले हैं उनमें से कोई एक कोड डाल लीजिए। टेम्परेरी पासवर्ड। अगर आपको किसी दूसरे के डिवाइस पर या फिर किसी साइबर कैफे वगैरह से अपना ट्विटर अकाउंट लॉगिन करना पड़ रहा है तो आप ट्विटर के टेम्परेरी पासवर्ड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पासवर्ड बस एक घंटे के लिए मान्य रहता है। इसे पाने के लिए अपने पहले से लॉगिन किए हुए डिवाइस में ट्विटर खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस में जाइए, सिक्योरिटी पर क्लिक करिए और फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाइए। सबसे नीचे की तरफ आपको टेम्परेरी पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने से आपको अपना टेम्परेरी पासवर्ड मिल जाएगा। कनेक्टेड ऐप्स। इसे चेक करने के लिए ट्विटर सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस में जाकर ऐप्स एंड सेशंस पर क्लिक करिए। अब आप कनेक्टेड ऐप्स में उन ऐप को देख पाएंगे जिनमें आपने ट्विटर की मदद से लॉगिन किया है। तीसरे नंबर पर अकाउंट एक्सेस हिस्ट्री में आप ये भी देख पाएंगे कि इन ऐप्स ने आपके ट्विटर अकाउंट को कब कब एक्सेस किया। कनेक्टेड ऐप्स में आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ वही ऐप्स हैं जिनमें आपने ट्विटर की मदद से लॉगिन किया है। अगर कोई गड़बड़ ऐप या सर्विस दिखती है तो उसे डिलीट कर दीजिए। ऐसे ही अगर अकाउंट एक्सेस हिस्ट्री में कोई ऐप बिना वजह ही आपका ट्विटर लॉगिन इस्तेमाल कर रहा है तो उससे भी परमिशन वापस ले लीजिए। एक्टिव सेशन। इसके लिए ट्विटर सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस में ऐप्स एंड सेशंस में जाइए। दूसरे नंबर पर आपको एक्टिव सेशंस मिलेगा, इस पर क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट इस वक्त कहां कहां पर चल रहा है, पहले कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको कोई अनजान डिवाइस नजर आती है तो उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को वहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं।
तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।